ना बेसन, ना मैदा और ना ही चावल का आटा। जी हाँ, आज हम एकदम क्रिस्पी करारी और सूजी की मजेदार नमकीन बनाएंगे। ये देखिए, लग रही है ना एकदम क्रिस्पी, कितनी एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। आप इस नमकीन को बनाकर 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे आप चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेफालीज किचन। आज मैं आपके साथ सूजी की नमकीन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मिक्सी के जार के अंदर 1 कप सूजी डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है। ये जो है एकदम बारीक नहीं होगा, जैसे चावल का आटा होता है उतना ही ये बारीक अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसे एक बड़ी परात में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और तेल को इस आटे के अंदर तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करते हुए हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यानी कि हमें जो आटा है वो टाइट तैयार नहीं करना है, वो हमें सॉफ्ट ही तैयार करना है, क्योंकि अभी हम इसमें पानी डालेंगे तो सूजी जो है पानी सोखेगी। आटा हमारा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना चिकना बना है। ये देखिए, मैं आपको स्ट्रेच करके भी दिखाती हूँ। अब हम इस आटे को लगभग 4 से 5 सेकंड तक इस तरह से थोड़ा और मसल के चिकना कर लेंगे और अब हम इसी परात के अंदर इसे कॉटन के गीले कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए साइड में रख देंगे। 30 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को वापस से थोड़ा इस तरह से मलेंगे और इसके बाद अब हम इसके 4 छोटे-छोटे पोर्शंस तोड़ लेंगे और अब हम एक हमारी लोई लेंगे और उसकी एक स्मूथ करके इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे। लोई हमारी अच्छे से स्मूथ बनके तैयार हो गई है। अब हम कोई चकला लेंगे या फिर हम प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। मैं इसे प्लेटफॉर्म पर बेलूंगी। इसे बेलने के लिए ना किसी हमें सूखे आटे की जरूरत होगी और ना ही किसी ऑयल की। हम इसे बेलन की हेल्प से इसी तरह से स्मूथ एक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मोटाई एकदम इसकी परफेक्ट है। इसके बाद कोई नाइफ या कटर की हेल्प से इसकी इस तरह से पतली पतली 1-1 सेंटीमीटर के गैप की पतली स्ट्रिप में इसे कट कर लेंगे। पूरी रोटी को हमने स्ट्रिप में कट कर लिया है और अब हम इसके इस तरह से चौकोर पीसेस में भी कट कर लेंगे। इसका जो साइज है वो हमें बहुत ही छोटा रखना है। सारी रोटी जो है वो चौकोर पीसेस में कट के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, ये कटी हुई कितनी सुंदर लग रही है। अब हम एक पलटा लेंगे और उसकी हेल्प से नीचे से इस तरह से इसे अंदर डालते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी सूजी के छोटे छोटे बाइट्स हैं वो कट के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने तेल को गैस पर गरम होने रख दिया है एक पैन के अंदर। ध्यान रहे, तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और डालने के बाद हम किसी स्पून की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से इन्हें इस तरह से चलाएंगे, जिससे कि ये जो बाइट्स हैं हमारे चिंगलिंग्स टाइप, ये जो है आपस में ना चिपके, और इसी तरह से इन्हें क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से सिक भी गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया इसमें कलर आया है और हमारे बाइट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो लीजिए, कितनी ही जल्दी कम समय में हमने सूजी की क्रिस्पी करारी नमकीन तैयार कर ली है। लग रही है ना एकदम बढ़िया, बिल्कुल जो मार्केट में चिंगलिंग्स मिलते हैं ना उन्हीं की तरह नजर आ रही है। अब हम इनके 2 फ्लेवर तैयार करेंगे। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हमारा नॉर्मल फ्लेवर है जो कि हम बनाते हैं और दूसरी बाउल के अंदर थोड़ा सा हम मैगी मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और अब हम
इन चीजों को इस तरह से प्लेट से ढक के शेक करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैगी मसाले वाला फ्लेवर है ये तो सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि मैगी मसाले का फ्लेवर बच्चे और बड़े सभी को बहुत अच्छे पसंद आता है। तो इस तरह से आप अपने घर में त्योहारों के टाइम पर या नॉर्मल टाइम पर भी इस तरह की सूजी की नमकीन तैयार कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे तब आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये सूजी की नमकीन या फिर नमक पारे या निमकी की रेसिपी यदि अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।